आज हम बनाएंगे साबूदाना बड़ा, जिसके लिए मैंने चार बड़े आलू उबाल कर कस लिए हैं। और ये मैंने साबूदाना जो है 5 से 6 घंटे भिगा दिया था, इससे एक खूब फूल गया है और दाना गल गया है। तो इसको मैं इसमें मिला देती हूँ। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च भी डालूंगी मैं इसमें, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। और अब मैं ये सब्जी को चॉप कर लूँगी। ये मैं डाल रही हूँ पत्ता गोभी, थोड़ा सा अदरक है, और ये मिर्च है, प्याज है, शिमला मिर्च है, और ये गाजर है। इसको मैं चॉप करके डालूँगी। ये मैंने सारी सब्जी चॉप कर ली है, इसमें मैंने हरा धनिया भी डाल दिया था, वो भी चॉप कर लिया साथ में, और ये इसमें मिला लेंगे। और इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, छोटी 4 चम्मच होंगी, मैंने बड़ी चम्मच डाली है। 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया है, नमक स्वाद अनुसार डालना है, मिला लेंगे। ये मैंने मैश कर दिया है, अच्छे से मिला दिया है। और अब हम इसकी छोटी छोटी जो है टिक्की जैसी बनाएंगे। हल्का सा पहले जो है प्लेट में तेल लगा देंगे, जिससे टिक्की जो है चिपके ना, और उसके बाद जब बन जाएंगे तो इकट्ठी हम इसको तलेंगे। अब थोड़ी थोड़ी लेके टिक्की बनाएंगे, छोटी छोटी बनाएंगे। हाथ में भी तेल लगा लिया है। साबूदाना टिक्की बनके तैयार हो गई है, और अब हम इसको करेंगे फ्राई। उसके लिए रखेंगे फ्राइंग पैन और गैस जलाएंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें हल्के हाथ से टिक्की डालेंगे। टिक्की को पलट लेते हैं और इसको दूसरी तरफ भी सिझाने देंगे। ये हमारी टिक्की बनके तैयार हो गई हैं, और इनको हम अब निकाल लेते हैं। ये साबूदाना बड़ा बनके तैयार हो गया है मेरा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।